हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी गुप्ता आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज मैं आप सबको दर्शन करवाने वाली हूँ हमारी कुल देवी माता बाला सुंदरी का, जिनका मुख्य स्थान त्रिलोकपुर में है। त्रिलोकपुर हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर भी माता बाला सुंदरी का एक मंदिर है, जहाँ पर माता बाला सुंदरी पिंडी रूप में प्रकट हुई थी। तो मैं आप सबको आज इनके दर्शन करवाने वाली हूँ, क्योंकि इसी मंदिर में हमने आदित्य का सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और उसकी कोई भी पिक, कोई भी वीडियो आप सबके साथ शेयर करने से पहले मुझे यही सही लगा कि मैं आप सबको अपनी माता कुल देवी मैया बाला सुंदरी से अवगत कराऊं, कि उनका यहाँ पर जो मंदिर है वो दिखाऊं आपको। तो चलिए, मैं आप सबके साथ आज ये छोटा सा क्लिप शेयर करने जा रही हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये मंदिर क्यों बनाया गया। तो बने रहिएगा एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिसकी भी कुल देवी माता बाला सुंदरी है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए, बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है। तो चलिए, आपको अभी बताते हैं हमारे पंडित जी का क्या कहना है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस मंदिर में जो माता बाला सुंदरी है पिंडी रूप में कहाँ से प्रकट हुई थी। ये चक्र पाणियों की जगह है, आशीष चक्र पाणी है ना, सुने होंगे उनकी जमीन है। उनके कोई बुजुर्गों को आज से लगभग 500-700 वर्ष पहले स्वप्न में दर्शन दिया था, फिर उन्होंने कुआं खुदवाए थे, फिर वहां से ये पिंडी रूप में। अच्छा, जो बाहर भोलेनाथ जी जहां पर स्थापित है उसके नीचे कुएं में से ये पिंडी रूप निकला था, स्वप्न में कन्या के रूप में दर्शन दिया था। अच्छा जी, फिर उन्होंने कुआं खुदवाए थे, वहां से पिंडी रूप में माता रानी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी मैया बाला सुंदरी पिंडी रूप में। आप सब भी दर्शन कर लीजिए, बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जो इस पिंडी रूप का दर्शन करेंगे आज। पहले दर्शन दिया बाल रूप में, अच्छा, फिर उन्होंने कुआं खुदवाया, फिर वहां से पिंडी रूप में माता रानी निकली। अच्छा। तभी बाला सुंदरी एक कन्या से सुंदर से बाल रूप में, और त्रिलोकपुर में इनका मेन स्थान है। वो जो त्रिलोकपुर में है उनका मेन स्थान। अच्छा, तो ये बाला सुंदरी मंदिर वैसे हर स्थान पे होगा ना, हर जगह होगा? हाँ, ये लगभग लगभग हर जगह है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। जय हो माता बाला सुंदरी, जय हो। और ये है हमारी माता बाला सुंदरी का बाल रूप। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ वो कुआ जहाँ से माता रानी पिंडी रूप में प्रकट हुई थी। फिलहाल उस कुएं को बंद करवा दिया गया है सेफ्टी के तौर पे। और ये हमारे भोलेनाथ जी के भी दर्शन कर लीजिए आप, जहाँ पर वो कुआं था उसी के ऊपर भोलेनाथ जी की स्थापना की गई है, कुएं को बंद कर दिया गया है। और इसी मूर्ति के नीचे वो कुआं है जहाँ से माता बाला सुंदरी पिंडी रूप में प्रकट हुई थी। और कैसे प्रकट हुई थी, क्या इस मंदिर का इतिहास है, वो आप सबको हमारे पंडित जी अपने मुख से बता ही चुके हैं। और देखिए कितना विशाल और बड़ा, कितना ऊंचा गुंबद है इस मंदिर का, हमारी माता बाला सुंदरी के मंदिर का। और दूर से ही भक्तों को इस मंदिर के गुंबद के दर्शन हो जाते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने आप सबको अपनी माता रानी के दर्शन करवाए। आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे परिवार में, YouTube फैमिली में मेरे साथ जुड़ सकें। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आदित्य का सेकंड बर्थडे यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट किया। और मुझे पता है आप सबको आदित्य के सेकंड बर्थडे की जो भी सेलिब्रेशन है उसका बहुत इंतज़ार है। तो मैं अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि हमने आदित्य का सेकंड बर्थडे यहाँ पर कैसे मनाया। और उससे पहले मैं इस वीडियो में आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ उसके बर्थडे क्लिप की, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।